सिंहासन ही उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत हमने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की ये पंक्तियां सुनकर आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गणतंत्र दिवस की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। हम सभी ने झांसी की रानी रानी लक्ष्मीबाई की कहानी तो सुनी ही होगी, लेकिन क्या आपने रानी दुर्गावती की कहानी सुनी है? नमस्कार, मेरा नाम है नीनल और माय आर्ट यार्ड में यानी मेरी कला के आंगन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा बचपन जबलपुर में बीता, तो इसीलिए मुझे हिंदी से, जबलपुर से, मध्य प्रदेश से एक अनूठा लगाव है। मैंने अपना ग्रेजुएशन भी रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से किया। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय हमारी यूनिवर्सिटी का नाम है, लेकिन रानी दुर्गावती की कहानी मैंने अपने पाठ्यक्रम में एनसीईआरटी की किताबों में कभी नहीं पढ़ी। अपनी बालकनी से मैं हर रोज मदन महल के किले को देखती थी, लेकिन उसके इतिहास के बारे में कुछ नहीं जानती थी। आज की तरह उन दिनों गूगल भी सक्रिय नहीं था कि गूगल से पूछ लूं कि रानी दुर्गावती का इतिहास कैसा है। कुछ वर्षों के बाद जब मैं स्थानीय पुस्तकालय में गई, तो वहां पर मुझे रानी दुर्गावती की एक पुस्तक मिली, एक छोटी सी पुस्तक। उस छोटी सी पुस्तक में उनके पूरे जीवन का संघर्ष सिमट गया था बस कुछ पन्नों में। मुझे आज भी याद है उस पुस्तक में उनका वर्णन एक सुंदर, वैभवशाली, मर्दाना साहस वाली बहादुर रानी के तौर पर किया गया था। उन्होंने लगभग 15 सालों तक राज्य किया। उनके राज्य में उनकी प्रजा बहुत ही समृद्ध और संपन्न मानी गई थी। किस तरह से रानी दुर्गावती ने अपने प्राणों की परवाह किए बगैर मुगलों से युद्ध करने का निर्णय लिया, ये जानते हुए भी कि मुगलों की सेना उनकी सेना से बहुत बड़ी है, लेकिन अपने गौरव की और अपने राज्य की रक्षा करने के लिए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। ऐसी एक छोटी सी लेकिन गौरवशाली इतिहास है गोंडवाना रानी दुर्गावती का, जिसने अपने पति के जाने के बाद अपने राज्य की बागडोर अपने हाथों में ली, क्योंकि उनका बेटा वीर नारायण केवल 5 साल का था। अपने राज्य की रक्षा करने के लिए जो भी संभव था उन्होंने किया। सन 1983 में मध्य प्रदेश की सरकार ने जबलपुर के विश्वविद्यालय का नाम रानी दुर्गावती के नाम से रखा, लेकिन क्या ये श्रद्धांजलि पर्याप्त है? आज जब मेरा बेटा यहाँ म्यूनिक में पढ़ रहा है, तो उसने 4th कक्षा में ही म्यूनिक के इतिहास के बारे में पढ़ा, किस तरह से कुछ साधु मॉन्क्स यहाँ पर आए और ईसार नदी के तट पर एक गांव बसा। धीरे धीरे वो गांव विकसित हुआ, बड़ा हुआ और इस शहर को उन्हीं साधुओं के नाम से नाम मिला, मॉन्क्स म्यूनशन। जब मैंने अपने बेटे के साथ म्यूनिक का इतिहास पढ़ा, तो मेरे दिल में यही सवाल आया कि मैंने क्यों नहीं जबलपुर का इतिहास मेरे पाठ्यक्रम में पढ़ा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2025 में आने वाली है। आशा करती हूँ कि रानी दुर्गावती का यह योगदान, ये बलिदान एनसीईआरटी में जरूर आएगा। जय हिंद।